हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने आप देख रहे हैं हुंडई एक्स्टर एस सीएनजी, दो ही वेरिएंट में गाड़ी में सीएनजी लॉन्च करी है, एस और एसएक्स। प्राइस की बात करें तो भाई इस गाड़ी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, 8,24,000 रुपये एक्सोरो में, वहीं 9,60,000 रुपये ऑन रोड है राजस्थान के अंदर। प्राइस वेरी कर सकते हैं आप किस स्टेट से गाड़ी को बाय कर रहे हैं। अगर बात करें गाड़ी के लुक की, भाई गाड़ी का डेफिनेटली लुक काफ़ी प्यारा दिया गया है। चाहे आप गाड़ी को आगे से देखो, चाहे गाड़ी को आप साइड से देखो, चाहे आप गाड़ी को रियर से देखो, कंप्लीट जो लुक है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम निकल के आता है। वहीं अगर बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में तो भाई आगे का लुक दिल जीत लेता है। लगभग अगर बात करें विड्थ की, 1710 mm की गाड़ी में ओवरऑल विड्थ मिलती है। दिखने में भाई गाड़ी काफ़ी कमाल की लगती है। वहीं अगर बात करें रोड प्रेजेंस की तो भाई गाड़ी का रोड प्रेजेंस देखते ही बनने वाला है। ये देखो भाई क्या शानदार लुक निकल के आ रहा है। वहीं अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो एस वेरिएंट के अंदर भी आपको सामने DRL मिलेगा जो कि LED शेप में मिलेगा। एच शेप के अंदर जो है आपको DRL मिलेंगे जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगेंगे। वहीं अगर बात करें हेडलैम्प के बारे में तो भाई एस वेरिएंट के अंदर जो हेडलैम्प है ये हेलोजन में दिया गया है। सामने की जो ग्रिल है वो आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलेगी, दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। नीचे स्किड प्लेट है, वहीं आपको आगे एक्सटर की बैजिंग मिलेगी, सामने हुंडई का लोगो मिलेगा। भाई गाड़ी का लुक काफ़ी प्यारा है, एक फ्यूचरिस्टिक सा लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें राइवल्स की तो टाटा पंच और भाई मारुति की जो अभी नई गाड़ी आई है उसको भाई सीधा ही कॉम्पीट करती है। ये कहानी हो गई ओवरऑल सामने की। अगर बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो ये है भाई गाड़ी का ओवरऑल साइड लुक। जितनी गाड़ी आगे से अच्छी लग रही है उतना ही गाड़ी का जो साइड लुक है वो भी काफ़ी कमाल का है। लेंथ की बात करें लगभग 3850 mm की गाड़ी में लेंथ मिलती है, वहीं गाड़ी के अंदर 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। गाड़ी को कैसे भी रोड पर लेके जाओ भाई आराम से निकल जाएगी। वहीं ये है गाड़ी का टायर सेक्शन, ये देखिए। अगर बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में तो यहाँ पे 14 इंच के टायर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको व्हील कवर मिलेगा 165/70R14। आगे डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। व्हील के ऊपर आपको व्हील आरसेस मिलेंगे, वहीं इंडिकेटर जो है आपको फेंडर पर मिलने वाला है। ये है ORVM जो कि आपको बॉडी कलर मिलेगा, वहीं जो डोर हैंडल है ये भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं। बी पिलर जो है वो आपको बॉडी कलर मिलेगा, वहीं जो सी पिलर है ये भी आपको बॉडी कलर मिलता है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। ये है गाड़ी का कंप्लीट रियर लुक। जितनी गाड़ी आगे से अच्छी लग रही है भाई उतना ही गाड़ी का रियर लुक काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। रूफ़ के ऊपर आपको मिलेगा एंटीना जो कि आपको नॉर्मल मिलेगा, छोटा सा आपको मिलेगा। ये देखिए स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर दिया गया है। पीछे आपको एक्स्टर की बैजिंग मिलेगी। वहीं अगर बात करें टेल लैम्प की तो जो टेल लैम्प है ये भी आपको एच शेप में मिलेगी, हालांकि ये भी आपको LED में मिलने वाली है। वहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे पार्किंग सेंसर के, रिफ्लेक्टर है, नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है। अब करते हैं भाई बूट अनलॉक। ये देखिए पीछे आपको मिलने वाला है CNG टैंक। अगर बात करें टैंक कैपेसिटी की तो भाई ये टैंक आपको मिलेगा मिलता है लगभग 65 लीटर वाटर कैरिंग कैपेसिटी के साथ। लगभग 8 किलो से लेकर 9 किलो तक गैस आ जाएगी। वहीं टैंक होने के बाद भी जो बूट स्पेस है वो भाई इनफ है, छोटे मोटे लगेज जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे। वहीं पार्सल ट्रे आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलती है, ऊपर प्रॉपर से कवरिंग की गई है। वहीं कुछ ऐसा लुक आपको मिलेगा बूट में। अब आप अपनी गाड़ी में CNG लोगे कहाँ से, वो लोगे भाई पीछे से, वो भी आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिलेगा लीवर अनलॉक करने के लिए, और भाई ये देखिए इस वैंड से आप गाड़ी के अंदर लेंगे CNG, ठीक है। आप यहां से लेंगे पेट्रोल और यहां से लेंगे CNG। 60 लीटर वाटर कैरिंग कैपेसिटी का यहां पर टैंक मिलता है। लगभग 7 किलो से लेकर 8 किलो तक जो है गैस इस टैंक में और जनरली आपको देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है आप किस CNG स्टेशन से फ्यूल ले रहे हैं, CNG ले रहे हैं, जैसा प्रेशर होगा वैसा ही जो है यहाँ पर आपको CNG मिलेगी। हालांकि जो गाड़ी का रियर लुक है वो काफ़ी बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया, इसलिए जो स्पेस है अंदर वो मुझे काफ़ी बढ़िया सा फील होगा। ये देखिए बेस मॉडल से ही गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, इसलिए जो सेफ्टी फीचर्स है वो भाई यहाँ पे काफ़ी शानदार निकल के आ जाते हैं। अगर बात करें इंटीरियर के बारे में तो भाई ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। एज यू कैन ऑल नो हुंडई का जो इंटीरियर होता है वो डेफिनेटली सभी गाड़ियों में काफ़ी प्यारा निकल के आता है। वहीं फिट और जो फिनिश है ना पार्ट्स की वो भी काफ़ी शानदार जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। डोर ओपनिंग एज यूजल वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे ऑल 4 पाउंडो के बटन्स मिल जाते हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, वही ORVM एडजस्टमेंट का यहाँ पे आपको बटन मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको 6 जो है स्पीकर्स मिलेंगे, डेफिनेटली साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। वहीं अगर बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आ जाती है, सीट का जो टेक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया है, वहीं सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी कंपनी ऑफर कर रही है। ये देखिए SCNG वेरिएंट है, मतलब बेस मॉडल हम इसको बोल सकते हैं CNG में, लेकिन भाई यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का
फंक्शन भी मिलेगा। वहीं अगर बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फ़िलिप की मिलेगी, लॉक अनलॉक का बटन है, वहीं बोट को अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूल को चेंज करने का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, वहीं हेडलैम्प को लेवल करने का बटन, ABC पैडल और साइड में आपको डैड पैडल मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं क्या कहानी है। गाड़ी में लगाते हैं चाबी, ये देखिए क्या बात है, स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और इसको करते हैं बंद। ठीक है, इंटीरियर डेफिनेटली काफ़ी प्यारा है ना हुंडई की। मुझे सभी गाड़ियों में जो इंटीरियर है वो भाई काफ़ी कमाल का सा लगता है। ये देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है, ऊपर ब्लैक फिनिश है, नीचे आपको ग्रे शेड मिलेगी, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, 2 आगे, 2 साइड में और 2 इन सीट में मिलेंगे। ठीक है, सेफ्टी फीचर्स भर भर के गाड़ी में दिए गए हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो वही आपको हाइटन वाला स्टीयरिंग मिलेगा, राउंड शेप में है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं, वहीं टेलीफोनिक बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टीयरिंग में कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा, फिक्स स्टीयरिंग जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं इस बटन से आप MID के अंदर जरूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो भाई सेक्सी सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, फुली डिजिटल है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर दोनों यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है, बीच में MID दी गई जिसमें आप जरूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। TPM जैसे फीचर भी भाई यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये देखिए टायर प्रेशर, ठीक है, फ्यूल को चेक करने का बटन, वहीं ट्रिप पे ट्रिप भी, वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। डिजिटल है इसलिए भाई काफ़ी प्यारा लुक निकल के आ रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पे आपको पेट्रोल का गेज मिलेगा और इस साइड में आपको CNG का गेज मिलेगा। बीच वाले जो AC वेंट है ये आपको राउंड शेप में मिलते हैं, वहीं सेंटर में जो AC वेंट है ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप में मिलेंगे। मैनुअल AC आ जाता है, AC की कूलिंग डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। सामने आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आएगा, वायरलेस आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। वहीं इसके चारों तरफ आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है। IRBM आपको मैनुअल मिलता है, ये है सनसेट। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, वहीं इसके नीचे भी आपको ग्रे शेड मिलेगी। सीट की बात करें तो भाई अंडर थाई सपोर्ट, 1 नंबर इन सीट का, बैठने में आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सा फील होने वाला है। वहीं हल्की सी स्टीयरिंग मिलेगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ये है स्ट्रोक्स जो कि आपको मैनुअल मिलेंगे वाइपर के एंड हेडलैम्प के। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल सामने से। डेफिनेटली भाई इस प्राइस रेंज में ऐसी गाड़ी आपको मिल रही है और क्या ही चाहिए, है ना। इस प्राइस रेंज में आप i10 न्योस या फिर स्पोर्ट्स लेने जाओगे तो भाई उसी प्राइस रेंज के अंदर आपको ये गाड़ी मिल रही है, वो भी अच्छे डायमेंशन के साथ, और क्या ही चाहिए, है ना। अब इसको करते हैं आगे और अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, इसको कर देते हैं बंद। 8,24,000 रुपये एक्स्ट्रा में भाई आपको ये गाड़ी मिल रही है, वो भी CNG के साथ। ठीक है, ये है ओवरऑल गाड़ी की सेकेंड रो। डोर ओपनिंग एज यूजुअल वाइड है, डोर काफ़ी वाइड ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी एंटर एग्जिट करने में। डोर ट्रिम पे आपको यहाँ पे मिलेगा पावर विंडो का बटन, स्पीकर, बोटल होल्डर। सीट की बात कर लेते हैं तो एज यूजुअल पीछे भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, वहीं एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपको वाइड सीट मिलेगी, इसलिए जो बंदा बैठा है पीछे उसको भाई अच्छा सा फील होने वाला है। अंडर थाई सपोर्ट भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा, कोई भी डाउट आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला, आराम से आप बैठ सकते हो। वहीं अगर बात करें हेड रूम की तो भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर हेड रूम मिलेगा, अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास भी है तो भी भाई आराम से आप यहाँ पे बैठ पाओगे। सेंटर में आपको AC वेंट भी मिल जाता है भाई रियर पैसेंजर के लिए, वहीं नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। क्या बात है, इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट गाड़ी में आपको फीचर मिलेंगे काम के जो भाई अधिकतर काम में आते हैं। तो भाई इस प्राइस रेंज में गाड़ी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, सारे फीचर गाड़ी में देने की कोशिश की गई है। वहीं पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है, बहुत सही भाई, 8,24,000 रुपये में भाई गाड़ी बीट कर देगी कॉम्पिटिशन को जो अभी टाटा की पंच आ रही है। वहीं अगर बात करें मारुति फ्रोंक्स तो भाई उन सब गाड़ियों को ये गाड़ी बीट करने वाली डेफिनेटली। वहीं आपको रूफ के ऊपर लैंप मिल जाएगा जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, इसको कर देते हैं बंद। और अब आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंजन। इंजन हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, ये देखिए जैसे इसको प्रेस करेंगे इजीली जो है हुड ओपन हो जाता है। अब फाइनली बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, तो ये है बोनेट, ये है इंजन न्यू एक्स्टर SCNG का। इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का कापा सीरीज का
फोर सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि निकालता है लगभग 68 bhp और 95 nm का टॉर्क। एंड माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज जो है वो यहाँ पे आ जाती है लगभग 27 की। तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ऐसी गाड़ी ऐसा माइलेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्टर SCNG ही दे सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।